इस वक्त कुपवाड़ा पहुंचे बॉलीवुड की एक्ट्रेस सिमरन सचदेवा जी, इनसे बात करेंगे। सिमरन जी, आप पहली बार कुपवाड़ा आई हैं? हाँ जी, कुपवाड़ा तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जी। वैसे कश्मीर आई हुई हूँ पहले। तो आप बताएंगे आपने किस फिल्म में काम किया है? हाँ जी, मैंने पंजाबी फिल्म में भी काम किया है, हिंदी में भी किया है, और अभी लेटेस्टली टीवी सीरियल्स कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा लेटेस्ट सीरियल है छोटी सरदारनी, जिसमें मैं हरलीन प्ले कर रही हूँ। उससे पहले मेरा नागिन 3 नागिन शो था जी। जो भी टीवी शो है वो चल रहा था। आने वाले टाइम में मेरी वेब सीरीज है, अभी जो मैं इजाज़ खान के साथ किया है वो वेब सीरीज है जी। एक मैंने विक्रम भट्ट जी के साथ फिल्म की है, मतलब वेब सीरीज है जी। वो की है, और काफी सारी मेरी टीवी एड्स हैं, जो आप अगर इंस्टाग्राम या गूगल करेंगे तो आपको सारी चीजें यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। आप बताएंगे कुपवाड़ा आने का मकसद क्या आज? सैफी जी के साथ हम सैफी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके रहते हम यहाँ पर एक विजन लेके आए हैं कि यहाँ के टैलेंट को हम आगे बढ़ाएं, जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, मतलब बेरोजगारी को भी बहुत हद तक संभाल पाएंगे। यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं वो हम जितना हो सकता है हमसे हम वो दूर कर पाएंगे, और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी से जुड़े हैं, तो सैफी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका विजन ये है कि यहाँ पर तरक्की करी जाए। कुपवाड़ा में यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट, जो उनको जो दिक्कत आ रही है इसके अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो सारी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ड्रीम इनका है जो हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और हम सीरियसली हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट देंगे तो ही हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम खाली एक विजन से आए हैं, आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो सब मिलके आगे जाएंगे। हाँ जी, तो अगर फिल्म इंडस्ट्री का वो है तो यहाँ पर भी बहुत टैलेंट है, आप आगे आइए, हम और आगे आएंगे। आपको लगता है कश्मीर में टैलेंट है? कश्मीर में बहुत टैलेंट है, अपने बॉलीवुड में भी कश्मीर से लोग वहां आते हैं ऑडिशंस देने के लिए। कितना टाइम खराब होता है, जरूरी नहीं है कि आप बॉम्बे आते ही एक ऑडिशन देंगे, आपको हजारों ऑडिशन देने पड़ते हैं, तब जाके शायद आपको कोई एक काम मिलता है। आपके कश्मीर में ही ये सब कुछ होगा तो आपके लिए भी कितना ईजी हो जाएगा। और सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, सिर्फ आर्टिस्ट से फिल्म नहीं बनती, सिर्फ आर्टिस्ट को लेके सीरियल नहीं बनता है, आगे पीछे उसके हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग एक सीरियल में काम करते हैं, मतलब आर्टिस्ट की जगह नहीं, अलग उसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हजारों लोग काम करते हैं। तो आप सोचिए कि एक अगर सीरियल भी यहाँ बनता है, एक फिल्म भी शूट होती है, तो कितने हजारों लोगों को यहाँ काम मिल सकता है। हम उम्मीद क्या लगाते हैं, जैसे सपोर्ट मिलेगा काम वैसे वैसे तरक्की करेगा। हम अगर हमें हमारा विजन देखा जाए तो हमें तो पूरी चीज दिख रही है आगे, लेकिन वो कब पूरी होगी? जैसे आप लोग, अगर आप लोगों की भी इच्छा है तो आप हमारी सपोर्ट करेंगे ना जी, आप लोगों को आगे बढ़ना है। आपकी तरफ से कोई मैसेज यहाँ के यूथ के लिए? मेरे पेशेंस रखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, हौसला मत खोइए, नेवर गिव अप।